Today onward rupees 500 and 1000 rupees more will not be accepted by anyone except the organization declared by the government. Means old notes or even coins must be retired and replaced with new ones. Or come with the breaking news across India, always 500 and always 1000 notes are made illegal from a stock of midnight. One might think what it has been done. India's government goal was to improve all fake currency from the market, which is used in tax evasion, corruption, and even in funding terrorist activities. It becomes really tough. I'm telling all of you. You are the lucky ones. You have got teaching talent in the college. जिसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है वो अपने आप के लिए प्रमाण मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ जीडीसी मेंटर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके रूबरू हूँ और इतना मुश्किल मौका दिया कि प्रोफेसर शाह साहब मेरे सामने बैठे हैं मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है एक और खाए जा रहा था अंदर से और वो ये था कि बहुत कम स्टूडेंट्स को ये मौका मिला क्योंकि लेक्चर शाह साहब मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि मैं खुद भी आपसे मैं ये शेयर करूँ कि रियली हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं वेरी गुड प्रोग्राम्स नाउ लेकिन आज का जो एक्सटेंशन लेक्चर है इट इज़ रेड मार्क्स और मुझे बहुत दुख है इस बात का और मुझे अपने स्टूडेंट्स पे बहुत दुख है अगर उनको पता था उनके मालूम था कि लेक्चर है और ऐसी चीज ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिस टॉपिक से हर एक हमारा हम अफेक्टेड हुए हर आदमी अफेक्ट हुआ है तो ये ऐसा टॉपिक है कि जिसको सुनने के लिए हर एक को आना चाहिए लेकिन मुझे इससे बात है नहीं शायद उसमें मेरी भी कमी है कि हम खुद से देखिए जब तक कि लोग खुद इसका शौक न रखते हों तो पकड़ के लाना पड़ता है शायद सर एक चीज़ है कि अभी हम जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हम काम कर रहे हैं और जिस इलाके के अंदर हम काम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से अभी बहुत कम डॉक्टर साहब कोई सवाल बैठे हैं हम एक चीज़ नहीं कर पा रहे हम प्यास भड़का नहीं पा रहे प्यास पैदा नहीं करते वो छोड़िए कि हम प्यास बुझा सकेंगे कि नहीं वो जरूरी नहीं हमारा काम था प्यास बढ़ाना लेकिन शायद हमें कोई प्रॉब्लम है हम प्यास नहीं बढ़ा पा रहे क्या रीजन है हमें सोचना पड़ेगा मेरी यंग फैकल्टी को सोचना पड़ेगा आप बच्चों आपको सोचना पड़ेगा यार जब प्यास हो तो इंसान प्यास बुझाने के सो साधन तरीके ढूंढना चाहेगा लेकिन जब प्यास ही नहीं हो इल्म के लिए प्यास ही ना हो सीखने के लिए प्यास ही ना हो नॉलेज के लिए तो मुमकिन नहीं हो सकता तो हम ये ना कहें कि हम बहुत कुछ पढ़ा दें हम बहुत सारे सिलेबस करवा दें हम बहुत चीज़ें ये कर लें नहीं है तो शायद सब जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और जिन यूनिवर्सिटीज में रियली एजुकेशन के हवाले से चलो एक चीज़ है देखिए ना ये शायद सब हमारे कल स्टूडेंट थे उस कॉलेज में पढ़े आज क्या आपको लग ही रहा था an expert in the field of economics is speaking before you yani kaun sa aisi baat unne ki jiska ki yani ek behtareen badi argument aur uske liye wo explanation leke nahi aaye hain